प्रातः क्लास चल रहा था, 13/9/1968 शुक्रवार को सातवें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि जो दुनिया है 5,000 साल लगते हैं इसको नए से पुराने होने में। अभी तो पुरानी दुनिया है तो तुमको बाप कहते हैं, अभी तुमको नई दुनिया में जाना है तो पुरानी को भूलना पड़े। ऐसे लौकिक बाप कोई नया मकान बनाते हैं तो बच्चों की बुद्धि, सारी फैमिली की बुद्धि चली जाती है नए मकान में। तो उनसे पुराने मकान से वो लागत नहीं रखते हैं, ममत्व तो नहीं रखते हैं कि ये पुराना मकान तो अभी तोड़ डालेंगे, कारीगर आकर के तोड़ेंगे ना। ठीक है ना बच्चे, कैसे अब ये है बेहद की बात, बेहद की दुनिया है और तोड़ने वाले भी बेहद के हैं। कि ये पुरानी दुनिया टूट जाएगी तो नई दुनिया में जाना है, क्योंकि नया स्वर्ग तो तुम्हारे लिए स्थापन हो रहा है और ये जो है वो तो पुरानी दुनिया है, तो इसको तो न इसको तो देखते हुए जैसे नहीं देखो। अब देखते हैं, देखना है, क्योंकि गृहस्थ व्यवहार में रहते हो ऐसे रहना है कि जैसे नहीं रह रहे हो। क्योंकि इस गृहस्थ व्यवहार पतित से तुमको उस पावन गृहस्थ व्यवहार में दैवी परिवार में जाने का है, जाने वाले हो, तुम्हारा ममत्व उसमें रहे, समझा ना। ममत तो तुम्हारा इस बेहद की पुरानी सृष्टि में न रहे, वो तो लौकिक घर का मिसाल देते हैं बच्चों को, तो हद का घर है, ये तो बेहद का घर है। तो इसको कहा जाता है वैराग, ज्ञान भक्ति और वैराग। ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग आता है। पुरानी दुनिया से वैराग, वो है हठयोग का, हठ का वैराग, हद का। तो वैरागी सन्यासियों का वैराग है, तेरह नौ 1968 की प्रातः क्लास का आठवां पेज। वो सन्यासी तो घर घाट छोड़ करके जंगल में जाकर के बैठ जाते हैं, और तुम क्या करते हो? तुम तो ये सारी पुरानी दुनिया का वैराग, कि हम इस पुरानी दुनिया में देखते हैं कि अथाह दुख है, तो इससे बैराग।
अभी तो बाबा ने आकर तुम्हारे लिए समझाया है कि जो नई सतयुगी दुनिया होगी उसमें तो अपार सुख है। कहां अपार सुखों की दुनिया और कहां अपार दुखों की दुनिया। तो अपार सुख जिसमें मिलेंगे उसको याद करेंगे ना, इस पुरानी दुनिया से बिल्कुल चिंतन मिटाना है। इसको देखते हुए नहीं देखना है। देखते हैं ना, ये मामा है, ये काका है, बाबा है, सभी, परंतु नहीं, हम तो अब वहां जाएंगे जहां संबंध सुख ही सुख के होंगे, दुख का नाम निशान नहीं होगा। अरे इस पुरानी दुनिया के संबंध बाबा काका सब दुख देने वाले है ना, ये बाबा काका चाचा। देखो बच्ची, कोई का माँ बाप नहीं है ना, तो बाबा काका भी उनको दोजख में जरूर डालेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी, दुख जरूर देंगे। कोई भी होगा, कोई भी संबंधी, वो दुख ही देंगे। वो विकारों में जरूर फंसाएंगे। हर बेहद का बाप क्या कहते हैं कि बच्चों ये काम महाशत्रु है। देखो इसलिए इनको समझाते हैं, इन बच्चों को समझाते हैं ना, बच्चियां हैं उनको भी समझाते हैं। अरे भाई गीता में भी भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है। और इस काम महाशत्रु को जीतने से जगत जीत बनेंगे। तो जगत जीत बनाने के लिए बेहद का बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। इस राजयोग से जन्म जन्मांतर की राजाई का ये पद मिलता है। जो ये राजाई का पद और कोई दे ही नहीं सकता सिवाय एक बाप के। अभी हमको भी बाबा कहते हैं, सब नहीं कहते हैं कि बच्ची अभी काम को जीतो। काम विकार को जीतेंगे खास तो जगत जीत बनेंगे। सारे विश्व का मालिक बनेंगे। अभी हम क्या करें, ये एक जन्म के लिए क्या हम अपना विश्व की बादशाही थोड़े ही छोड़ेंगे। हम ऐसे अकल कम अकल है थोड़े ही हैं, तो इसलिए इतने झगड़े। वो थोड़े ही समझते हैं इन बातों को। तो जिन्होंने समझा है वो दूसरों को भी बता सकते हैं। या मेल भी बता सकते हैं फीमेल को।
जटार के ऊपर चलते हैं सब। इसलिए नाम रखा हुआ है भाई अकासुर बकासुर। ये दुर्योधन दुशासन मेरा चीर उतारते हैं, ऐसे है ना बच्चे? द्रौपदी पुकारती है, हे बाबा। तो फिर देखा तुमने ये नाटक कि हमारा चीर उतारते हैं। पीछे कृष्ण को दिखलाया है कि भाई कृष्ण भगवान ऊपर से साड़ियां देते रहते और वो दुशासन उनकी साड़ी उतारते रहते हैं। अरे तुम्हारी साड़ी किस जन्म तो नहीं उतरती है, ना कोई उतारने वाला होता है। ये तो अभी इस दुनिया की बात है, अभी इनका अर्थ तो कोई समझते नहीं है। और नाटकबाज तो बहुत ही देखे उसमें, परंतु इसका अर्थ क्या है उसकी? द्रौपदी की साड़ी उतरती जाती है। तो बाबा तो अभी सब कुछ बताएगा ना बच्चे। वो साड़ी उतारते रहते हैं और वो देते रहते हैं। अभी इसका अर्थ तो कोई भी किसी को भी दुनिया में नहीं मालूम है कुछ भी। बाप आकर के समझाते हैं कि तुमने ये खेल देखा है ना, नहीं तो देखो 21 साड़ी। अभी ऐसे तो होता ही नहीं है कि कोई सभा में बैठ करके ऐसे करे, ऐसे थोड़ी सभा में बैठ करके कोई किसका उतारेंगे। तो उन्होंने बैठ करके ये चिरैयाई लिखी है। इस चरियाई को नॉनसेंस कहें, क्या तुमको सुनाया नहीं ये जुआ की बात कि भाई ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि पांडवों ने ये उसको द्रौपदी को जुआ में, किसी ने कहा दाव में लगाया। अभी द्रौपदी के तो 5 पांडव थे, तो पतियों ने बैठ करके वो जुआ खेली 5 पांडवों ने, राजा ही की जुआ खेली। और अभी तो तुम देखते हो राजाई वाजाई तो कोई है ही नहीं, न कौरवों को राजाई है न पांडवों को राजाई। तो देखो कितनी झूठी बातें बनाई है, न पांडवों की बात सही न कौरवों की बात सही। अरे इन कौरवों को बादशाही है, कोई बादशाह है? कोई एक बादशाह की चलती है?
अरे वहां तो ढेर की ढेर प्रजा, प्रजा का ऊपर प्रजा का राज्य। एक राजा की तो बात ही नहीं। तो देखो ऐसे प्रजातंत्र राज्य में कोई अपनी राजाई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि यहां तो राजा ही है ही नहीं, सारी दुनिया में राजा ही चट हो गई। बेहद कोई बाप ने बच्चों को समझाया ना कि बच्चे कि देखो उन्होंने शास्त्रों में लिखा है कि पांडव और कौरवों की जुआ हुई, फिर उन्होंने जुए में वो सभी अपना राज्य पांडवों ने हराई दिया, हराई दिया और बाकी तो कुछ रहा ही नहीं। तो बोला अच्छा अभी हम द्रौपदी को है दांव में लगा देते हैं। उन्होंने कहा रखो, तो उन्होंने मान लिया। बोला अगर तुमने जीता तो फिर राज्य तुम अपना ले लेना, नहीं तो तुम राज्य के साथ द्रौपदी को भी गंवाई देंगे। अच्छा अब ये कहां से आए सभी पांच? लिख दिया द्रौपदी को पांच पति थे और द्रौपदी को बड़ी जुए में हराया। अभी शास्त्र में तो लिखा हुआ है ना, और यहां हूबहू हो रहा है। द्रौपदी को पांच पति, तो जाओ देहरादून जिले में चकरा में, किसी ने कहा बाबा चकराता में, हाँ चकराता में तो वहां पांच स्त्रियां पांच पति करती हैं अपने जीवन में, ये इसको भक्ति मार्ग में क्या कहें। आया हुआ है ना बिलायत से राम, उनको ले आओ चकराता में, बोलो देखो यहां स्त्रियां, वो तो भागवत में लिखा हुआ है ना स्त्री पांच पति करे। अब देखो ये पांच पति कैसे करती है, तो चकराता में ले जाके निशानियां भी उन्हों को दिखलाई दो, वो भी बताएंगी चकराता वाली, इन सबको बताएंगी कि हम पांच पति करती। अभी शास्त्रों में ये सारा कचरा भरा है। 13/9/1968 की प्रातः क्लास का 9वां पेज, तो बाप बैठ करके बताते हैं देखो इस पुरानी दुनिया में मनुष्यों की क्या दुर्गति हुई। ये जो मनुष्यों की आत्मा है ना कितनी तमो प्रधान बन गई है, क्या क्या करते रहते हैं, कितने अपार दुख और अपार गंदगी। अपार डाका है उतरने का, अपार क्रोध है, सब कुछ है अपार है ना।
और फिर इसके मुकाबले में सतयुग में देखो कितना सुख है। यहाँ तो अनेक मतें, अनेक धर्म। अभी मैं आया हूं एक धर्म की स्थापना करने, और अनेक धर्मों का विनाश करने, कराने के लिए। और मेरे को इतने बरस तो हो गए, बाकी हमें यहां इतना दिन और ठहरेंगे। 8 बरस की बात है, यहां रहेंगे, फिर तो हम चले जाएंगे वापस। इस बीच के अंदर ये धर्म की स्थापना हो जाएगी। और विनाश भी होना शुरू होगा। विनाश होना शुरू करेगा और हम चले जाएंगे। हाँ? कौन चले जाएंगे? हम माना, हम माने ब्रह्मा बाबा चले जाएंगे। वो तो गए ना, 8 बरस से पहले ही गए ना। और शिव बाबा वो भी चले गए? नहीं चले गए, झूठ बोल दिया। हाँ, इसे जो टेम्पररी रथ है ना, उसमें से चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? जो मुकर्रर रथ है उसमें चले जाएंगे। फिर कहा, फिर क्या होगा? ये विनाश भी जरूर करेगा। कौन? शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है ना, तो हम चले जाएंगे। बस मेरा काम ही है वहां तक ठहरना। कहां तक? 8 वर्षों तक, कि तुम कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाओ। कर्म करते रहो और कर्मों से अतीत बनकर काम करो। ऐसी स्टेज जब बन जाएगी तो लड़ाई शुरू हो जाए, और मैं तो फिर भागा ये टेम्परेरी शरीर छोड़ के। तो देखो लिखा हुआ है तुम्हारे भागवत में कि ये बच्चे तो फिर पिछाड़ी में रोते हैं, अरे बाबा चला गया, बाबा चला गया। तो बाबा चला गया वो तो बोल देते हैं, बाबा तो बोल देते हैं ना, मैं चला आता हूं। इन पुरानी दुनिया को और ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया को छोड़ करके चला जाता हूं, है ना? ब्राह्मण सो देवताओं की नई दुनिया स्थापन करने के लिए जाता हूं ना। तो वो पुरानी दुनिया के ब्राह्मण फिर रोते हैं, अब शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है, और तुम बच्चों को तो रोने का कोई बात है ही नहीं, क्योंकि तुम तो ये जानते हो कि इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में बाबा थोड़े ही बैठा रहेगा। ये तो है ही ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया, सप्तमो प्रधान।
तो बाबा हमको राजभाग दे करके वानप्रस्थ में जाएंगे। तो सो बच्चे ये बात जानते नहीं हैं तो रोते हैं। तुम बच्चे थोड़े ही रोते हैं। तो मैं वानप्रस्थ में जाऊंगा और तुमको बादशाही मिली। जो बादशाही जो राजाई तुम मांगते थे सो तुमको दिया। तो जो तुमको चाहिए सो तुमको मिला। अभी बाकी तुमको क्या चाहिएगा? जो मुझे उनको याद करना है, मेरी दरकार है तुमको। अभी आधा कल्प बच्चे मेरी दरकार तुमको नहीं पड़ेगी। और तुम याद भी नहीं करेंगे। ओम शांति।